Tahiba Jabeen. Today I am going to present the topic on digestive system. सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि digestive system होता क्या है. Digestive system एक ऐसा process है जिसके ज़रिए हम describe करते हैं जब हमारी body के जितने भी digestion stages होते हैं उनको हम describe करते हैं through digestive systems. और सेकंड चीज़ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पॉर्टेंट क्यों है. डाइजेशंस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और फूड्स ड्रिंक्स की ज़रूरत होती है प्रॉपरली वर्क करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स, ये सब हैं न्यूट्रिएंट्स से. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल छोटे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करता है, फिर हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व करती है और फिर हमें उससे एनर्जी मिलती है और हमारे सेल रिपेयर होते हैं. सेकंड चीज़ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है. हमारी बॉडी के जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्प करता है फूड को बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए. ये जीआई ट्रैक के ज़रिए ये फूड को हमारे स्टोमिक तक लेके जाता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, और फूड को बिल्कुल छोटे पार्ट्स में ब्रोक करता है. उसके बाद फिर ये ऑब्जॉर्ब करता है जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. जो लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं वो वाटर के थ्रू जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है अनडाइजेस्टिव जो प्रोडक्ट्स होता है उसको थ्रू इंस हम निकाल देते हैं. उसके बाद है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है, वो मतलब फूड को कैसे छोटे हिस्सों में तोड़ता है और हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है. जो हमारा फूड है वो जीआई ट्रैक के ज़रिए हम अंदर जाता है बिल्कुल स्मॉलर पार्ट में. सबसे पहले हम जो भी खाना खाते हैं तो हम मुंह में डालते हैं, उसको अपने टीथ के ज़रिए हम चबाते हैं, देन मिक्स होके वो सलेवरी ग्लैंड के साथ फिर वो हमारे जीआई ट्रैक के ज़रिए स्टोमिक में जाता है. उसमें स्टोमिक एसिड्स भी होते हैं, डाइजेस्टिव जूस जिसको हम बोलते हैं, उनमें बाइल्स एंड एंजाइम्स भी होते हैं. सबसे पहला जहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस शुरू होता है वो है माउथ. ये हम जब हम च्यू करते हैं सलेवरी ग्लैंड की वजह से जो सलेवा हमारे मुंह में आता है जिससे डाइजेस्टिव जूस बनता है और हमारा फूड जो है बिल्कुल स्मॉल पार्ट्स में जब ब्रेक हो जाता है तो देन वो इजीली हम उसको ईसोफोगस के ज़रिए अपने स्टोमिक तक पहुंचाते हैं. सेकंड है ईसोफोगस, ये क्या करता है, ये हमारी फूड को स्वेलो करता है, निगलता है थ्रू उस स्टोमिक तक. हम ईसोफोगस के ज़रिए स्टोमिक तक अपनी खुराक को लेके जाते हैं. देन आ गया स्टोमिक. स्टोमिक जो है ये एक स्टोमिक एसिड्स बनाता है जिससे हमारी फूड बिल्कुल छोटे हिस्सों में टूट जाती है, मतलब बिल्कुल ब्रेक होती है छोटे छोटे हिस्सों में. जो हमारा स्टोमिक है ये डाइजेस्टिव जूस के ज़रिए हमारी मिक्स को फूड मिक्स करता है फूड को. देन उसके बाद है पेनक्रियाज. ये जो पेनक्रियाज है ये क्या करता है, ये भी एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिससे हमारी फूड जो है वो ब्रेक होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं इस डाइजेस्टिव जूस से. तो पेनक्रियाज है वो डिलीवर करता है डाइजेस्टिव जूस को टू द स्मॉल इंटेस्टाइन तक, जिसको हम किसके ज़रिए करता है, जिसको हम जूट्स कहते हैं. देन है लीवर. हमारा जो लीवर है वो एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं, जो हमारी जो डाइजेस्ट फैट्स एंड सम विटामिंस होते हैं. बाइल ट्रक्स कैरी बाइल फ्रॉम योर लीवर टू योर गॉल ब्लैडर इंटेस्टाइन फॉर यूज. जो गॉल ब्लैडर है ये क्या करता है, बाइल्स और मील्स दोनों को स्टोर करता है. जब हम खाते हैं तो ये गॉल ब्लैडर स्क्वीज करता है बाइल को, द बाइल डक्ट इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक को फूड को भेजता है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी एक डाइजेस्टिव जूस बनाती है जिससे
जो जैसे बाइल्स हो गया, पेनक्रेटिक जूस हो गया, ताकि फूड को बिल्कुल ब्रेक कर सके, जैसे ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जो बैक्टीरिया होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेक सम ऑफ द एंजाइम्स यू नीड टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये मूव करती हैं वाटर के ज़रिए हमारी ब्लड में, जितना भी इसकी ज़रूरत होती है. देन उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो वाटर के ज़रिए हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो थ्रू एनस हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है. थैंक यू.